नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की, ब्रेकिंग न्यूज की करेंगे बात। देवास से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर देवास से। चामुंडा माता स्थित रोप वे का तार टूटा है। चामुंडा माता की टेकरी जो है, यहां पर रोप वे में फंस गए हैं लोग। तेज आंधी और हवा के साथ बारिश हो रही है दरअसल, और तेज आंधी के साथ चलते रोप वे का तार टूट गया। नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए और टेकरी की ओर से सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। रोप वे में तब 8 लोग फंसे थे। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं देवास से, जहां पर रोप वे की व्यवस्था की गई है। नीचे से ऊपर टेकरी पर माता के, चामुंडा माता के दर्शन करने के लिए रोप वे की व्यवस्था की गई, लेकिन इसका तार टूट गया और इसमें लोग फंस गए। हालांकि सबको सुरक्षित निकाल लिया गया, टेकरी पर से इन सबको बाहर निकाला गया। देख सकते हैं आंधी तूफान आया, तेज बारिश हुई और तब ये लोग रोप वे में सवार थे और उसके बाद कैसी स्थिति बन गई, जाहिर सी बात है कि जान हलक में अटक गई होगी ये जो लोग रोप वे में सवार थे उनके। हालांकि 8 लोग इसमें फंसे हुए थे और कोई जनहानि नहीं हुई है, इन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन बड़ी खबर, तार टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। देवास से यह खबर आपको बता रहे हैं। चामुंडा माता स्थित जो टेकरी है वहां पर रोप वे की व्यवस्था बनाई गई है और यहां फंस गए थे लोग। तार टूट गया, लोग फंस गए, तेज हवा आंधी चल रही थी जिसकी वजह से तार टूटना बताया गया है और इसकी वजह से लोगों की जान हलक में आ गई। मतलब आपके आने के पहले ही निकाल दिया, निकाल चुके थे हम लोग जस्ट उसी टाइम। अच्छा, लोगों की एग्जैक्ट संख्या पता पड़ी? एग्जैक्ट संख्या अभी पता कर रहे हैं, जैसे पता होने से। ये ट्रॉली जो हमारी केबल कार है यहाँ पे चामुंडा माता जी की केबल कार है, एक बड़ा हादसा टल गया, बहुत बड़ा हादसा टल गया है। तो केबल कार जिसे कहा जाता है वो अटक गई थी और बड़ा हादसा टल गया। जो रेस्क्यू टीम पहुंची थी उसके पहले ही जिस कंपनी की तरफ से ये रोप वे या केबल कार की जो व्यवस्था की गई है वो उस कंपनी की तरफ से ही ये जो लोग फंसे थे उनको निकाल लिया गया, सुरक्षित बताए जा रहे हैं सभी। लेकिन 8 लोग काफ़ी देर तक फंसे रहे, इसके बाद टीम को बुलाया गया, लेकिन टीम के मौके पर पहुंचने के पहले ही ये लोग सुरक्षित बाहर आ गए। हालांकि तब हवा तेज चल रही थी, आंधी तूफान और तेज बारिश की वजह से देख सकते हैं कैसे ये रोप वे पर ये जो केबल कार है कैसे ये हिलोरे मार रही थी, हवा में कैसे घूम रही थी। और जाहिर सी बात है कि इसमें जो लोग सवार होंगे वे घबरा गए होंगे। वरुण हमारे संवाददाता देवास से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं पूरा वाकया हुआ कैसे, कैसे केबल तार टूट गया। वरुण, कितनी देर तक ये लोग वहां अटके रहे, कैसे निकाला गया, कौन कौन लोग इसमें सवार थे? देखिए, जो हादसा हुआ है वो हादसा माता टेकरी के रोपवे पर हुआ है, जहाँ पर एक जो है तार टूटने से उसमें 8 से 10 लोग ऐसा बताया जा रहा है कि फंस गए थे। और जो तेज हवा आंधी के चलते यह हादसा पूरा हुआ है। बताया जा रहा है कि करीबन आधे घंटे तक यह वहां पर जो है जो लोग थे उस रोपवे में फंसे रहे थे। हालांकि जो दो ट्रॉली थी वो आपस में क्रॉस हो रही थी और वो उसी जगह एक जगह रुक गई थी, जिसके चलते यह हादसा संभवतः हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वहाँ का, वहाँ की उनकी भी लापरवाही इसमें हो सकती है, क्योंकि जब इतनी तेज हवा आंधी हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो रोपवे उसमें चलाया क्यों गया ये सवाल भी एक बड़ा खड़ा होता है उसमें। लेकिन जो है निगम अधिकारियों से जब हमने बात की, मैनेजमेंट से बात की, तो उनका कहना यह है कि इस विषय को जांच बिठाई जाएगी और इस पर कार्रवाई भी करने की बात कर रहे हैं। जी जी, कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे इस पूरे मामले के बाद? जी बिल्कुल, नगर निगम के निगम आयुक्त विशाल सिंह मौके पर पहुंचे थे और उन्हीं ने बताया था कि करीबन 2 ट्रॉली में 8 से 10 लोग फंसे हो सकते हैं और यह जानकारी कहीं ना कहीं संभवतः सत्य भी थी। हालांकि जो मौके पर टीम है, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची थी और उन्हीं के इंस्पेक्टर नीलेश दीवानिया जी का कहना था कि मैनेजमेंट की टीम ने, जो मेंटेनेंस की टीम थी वहां पर, उन्होंने पहले ही उन लोगों को वहां से निकाल लिया था और हमारी इतनी जरूरत यहां पर महसूस नहीं हुई। जी, और जो लोग बाहर निकल कर आए क्या उनसे बात हो पाई, उनका क्या कहना है, क्या इसमें जब ये जाहिर सी बात है कि माता का मंदिर है, माता की टेकरी है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सब लोग जाते हैं, कौन कौन लोग सवार थे कुछ पता चल पाया? बिल्कुल, ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें जो कुछ श्रद्धालु थे, जो जिसमें 6 बड़े लोग थे और 4 बच्चे थे।
हालांकि सभी को सुरक्षित निकाला गया है। हो सकता था बड़ा इसमें हादसा हो जाता अगर कुछ अनहोनी होती तो। जी बहुत शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। तो न्यूज 18 पर यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तेज आंधी के चलते रोपवे का तार टूटा। बताया ये जा रहा है कि केबल कार जब क्रॉस हो रही थी आपस में तभी तार टूट गया। लोग फंसे हुए थे, इसमें बच्चे भी बताए जाते हैं, महिलाएं भी बताई जाती हैं, और अब इनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब पूरे मामले की जांच कराने की बात अधिकारी कह रहे हैं।